सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं कुछ साइंटिस्ट और उनकी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगी। ये जो पूरी वीडियो है ये आपका फिजिक्स का 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट और उनकी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज तो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज दे रखी हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ सी वी रमन की जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें ये मैंने पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, बट इसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहें तो इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट्स की फॉर्म में भी अपने उसमें लिख सकते हैं। नाउ सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड द 1930 नोबेल प्राइज। ठीक है, सी वी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। रमन इफेक्ट में क्या था, लाइट दैट पासिस थ्रू अ मटीरियल इज स्कैटर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज्ड बिकॉज इट हैज़ कॉज्ड एन एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन इन द मटीरियल्स मॉलिक्यूल। इसमें जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसी साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी और उन्हें उसके लिए कब कौन से ईयर में अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन फिजिशियस्ट हु वॉज फर्स्ट अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इंडियन कौन ऐसे इंडियन फिजिशियस है जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, तो आंसर है सर सी वी रमन। यहाँ पे जो सी वी डॉट में लिखा हुआ है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है चंद्रशेखर वेंकटा रमन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड उसी मतलब जो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी फिजिकल वर्ल्ड की उसी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में आपको इन साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा, सर सी वी रमन। नेक्स्ट वन इज मेंशन सम इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन टू फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देने हैं। जब कभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है तो उस टाइम पे हमारे पास उनकी एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, E=mc², ये इक्वेशन आपने बहुत बार देखी होगी। अब इसमें इसके अलावा जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस से जो फिजिक्स में दिए हैं तो उसमें आपके तीन दे रखे हैं। फर्स्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये वही है E=mc². सेकेंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस या डिस्कवरीज हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, आंसर है A.H. Becquerel इन 1896। अब एक चीज़ और है इसमें जो मैं भी जिन भी वर्ड्स को जो भी प्रोनाउंस कर रही हूँ उनकी प्रोनंसिएशन, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम है, थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी की जो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो बतानी है। यहाँ पे आपको दो दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज डिस्कवरीज ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम एंड सेकेंड वन इज स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वन इज नेम द साइंटिस्ट हु वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड टू नोबेल प्राइजेस। किस साइंटिस्ट को दो बार नोबेल प्राइज मिला है, आंसर है मैडम क्यूरी। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शी वॉज द ओनली साइंटिस्ट जिन्हें दो डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इन्हें मिला था फिजिक्स में 1903 में एंड सेकेंड इनको केमिस्ट्री में मिला था 1911। अब ये जो है मैडम मैरी क्यूरी, इनके पास दो इनके नाम से रिकॉर्ड हैं। एक तो ये कि इनको दो बार नोबेल प्राइज मिला था, सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन टू साइंटिफिक फील्ड्स। और सेकंड जो इनके लिए है वो ये है कि ये फर्स्ट वुमेन है जो प्रोफेसर बनी थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इन 1906। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिशियस्ट हु फर्स्ट गेव द एक्सचेंज थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। आंसर है जापानीज फिजिशियस्ट हिडेकी युकावा इन 1935।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स. किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दो बार फिजिक्स में मिला है? जो मैडम मैरी क्यूरी है उन्हें भी दो बार नोबेल प्राइज मिला है, बट फिजिक्स में नहीं, एक बार उन्हें केमिस्ट्री में और एक बार फिजिक्स में. तो ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा. यहाँ पे ये पूछा गया है किसे दो बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है. आंसर है जॉन बार्डिन इज द ओनली नोबेल लॉरेट हुज गिवन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस इन 1956 एंड 1972. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लर्न करने वाली है कि जो जॉन बार्डिन है वो नोबेल लॉरिएट थे, उन्हें दो बार अवार्ड मिला था फिजिक्स में, एक 1956 में और सेकेंड जो उन्हें मिला है वो 1972 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो फर्स्ट किसने की थी? आंसर है इसका सर जेम्स चैडविक. इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था एंड इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था इन 1935 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर इज डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन इन 1932. 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था एंड इस डिस्कवरी के लिए इन्हें 1935 में नोबेल प्राइज मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द फिजिशियस एसोसिएटेड विद द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. आंसर है इसका फ्रेंच के थे ये, लुइस डी ब्रोगली. ठीक है, डी ब्रोगली नाम से आप फिजिक्स की बुक में इनका नाम बहुत बार पढ़ेंगे. इन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दी थी. इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया था कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, वो एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि वो वेव है और एक अनदर टाइम पे वही चीज़ आपको एक पार्टिकल की तरह दिखाई देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिशियस्ट हु फर्स्ट मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था? तो आंसर है आर ए मिलिकन. 11th में आर ए मिलिकन या मिलिकन एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. आंसर है इसका हेंसनबर्ग एंड श्रोडिंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का जो क्वांटम मॉडल है वो किसने दिया था? इसका आंसर है नील बोहर इन 1913. बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है, आप उन्हें लर्न कर लीजिएगा. अगर नहीं चाहते तो आपको साइंटिस्ट के नाम तो डेफिनेटली पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिशियस्ट हु फर्स्ट प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम. इसका आंसर है रदरफोर्ड या फिर पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है? तो जब भी ग्रेविटेशन वर्ड आता है उसकी चाहे इक्वेशन पूछी जाए, चाहे मोशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जिन्होंने किया था वो थे सर आइज़ैक न्यूटन. तो न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका आंसर है क्रिश्चियन हाइगन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज या फिर इसे आप ह्यूगन्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन इन 1897. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये बहुत ही बेसिक डिस्कवरीज हैं, इन पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, फिर चाहे आपके एकेडमिक्स का हो या फिर आप स्कूल लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देते हैं, तो ये तीनों डिस्कवरीज आपसे डेफिनेटली पूछी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्सरेज. एक्सरेज किसने डिस्कवर करी थी? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू के रॉन्गटन और विलहेलम रॉन्गटन, इन दोनों ने एक्सरेज की डिस्कवरी करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू इंडियन बॉर्न फिजिशिस्ट हु हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. दो साइंटिस्ट का नाम लिखना है आपको जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है और वो इंडियन थे. फर्स्ट वन इज सी वी रमन, इनका रमन इफेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. एंड सेकेंड वन इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और जो इंडियन ऑरिजिन के थे. आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. ये कुछ लिमिटेड थे जो मैंने इसमें डिस्कस करे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.